अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो गलती शेयर करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि गलती शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है। और आपको मैं सच बताऊँ तो मुझे भी आज तक ये पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये 80-90% न्यू यूट्यूबर्स जब यूट्यूब पर आते हैं तो पहले ये काम करते हैं, वो कहीं से पिक्चर्स उठा के, फेसबुक से, गूगल से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी पिक्चर्स उठा के उस पर फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक लगा देते हैं और वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। फिर जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दी जाती है और आपको ये कहा जाता है कि आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट है। अब रीयूज्ड कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपने किसी दूसरे बंदे की वीडियो अपलोड की है, लेकिन यहाँ पे तो आपने किसी बंदे की वीडियो अपलोड की ही नहीं है, फिर आपके पास कैसे ये मसला आ सकता है? आपने तो पिक्चर्स उठा के उस पर म्यूज़िक लगा के अपने चैनल पर अपलोड किए, लेकिन नहीं, यहाँ मसला ये नहीं है कि आपने सिर्फ दूसरों की वीडियो ही अपलोड की हो, वीडियो से ज़्यादा ऑडियो पर रीयूज कंटेंट का मसला आता है, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। अब यहाँ पे आप ये सवाल भी पूछेंगे कि हमने तो फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ की थी, फिर उस पर क्यों रीयूज कंटेंट का मसला आ गया? तो इसका जवाब भी मैं देने वाला हूँ आगे। अभी मैं आपको एक चैनल शो करता हूँ, ये हमने मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था और इसी चैनल पर ही ये मसला आया है। यूट्यूब की तरफ से ईमेल आया कि आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट है और हम आपका चैनल मोनेटाइज नहीं कर रहे। अब जब मैंने ये चैनल चेकआउट किया और देखा तो ये इस पर यही मसला था जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि फेसबुक से कुछ पिक्चर्स लेके उस पर फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक लगा के अपने चैनल पे वीडियो डाल दी थी, तो अब इनका वॉच टाइम भी पूरा हो गया, सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए। जैसे ही इन्होंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दी तो यूट्यूब की तरफ से इनकी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गई और इनको कहा गया कि आपके पास रीयूज कंटेंट का मसला है। अब ये जो मसला आया है, ये क्यों आया है और इसको हम हल कैसे करेंगे? ये आया क्यों है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। ये इसलिए आया है कि आपने सिर्फ पिक्चर्स और म्यूज़िक उठा के अपलोड कर दी है, तो इस वीडियो में आपकी अपनी कोई ख़ास क्रिएशन नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी हो, आपने खुद बनाया हो, आपने एक तरफ से पिक्चर उठा के दूसरी तरफ से म्यूज़िक उठा के डाल दी, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी नहीं ज़ाहिर होती। आपने इस वीडियो में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया और आप सोच रहे होंगे कि ये म्यूज़िक तो फ्री कॉपीराइट है, तो म्यूज़िक बिल्कुल फ्री कॉपीराइट है, लेकिन ये और भी हज़ारों लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। अब ये भी मसला नहीं है कि और लोगों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन वीडियो के ऊपर कम से कम अगर आप पिक्चर्स वाली वीडियोस बनाते हैं तो उस पर कम से कम आप वॉइस ओवर करें और उस वॉइस ओवर के पीछे अगर आप म्यूज़िक लगाते हैं तो ठीक है, फिर आपका चैनल बिल्कुल मोनेटाइज होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे करते हैं कि सिर्फ पिक्चर्स लगा के उस पर म्यूज़िक लगा के और फिर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो आपके पास रीयूज कंटेंट का मसला आएगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आई होप कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपको क्लियर हो चुका होगा और आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इसके अलावा एक दूसरी गलती भी लोग ये करते हैं कि वेबसाइट से फ्री कॉपीराइट वीडियोज़ उठा के उस पर इसी तरह फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक लगा लेते हैं और इसी तरह ही वो अपना चैनल जब मोनेटाइजेशन के लिए बेचते हैं तो वो भी रिजेक्ट हो जाती है। ये बात आपने जहन में 100% बिठानी है कि अगर आप ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें आप पिक्चर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और उस पर फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक लगा के अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, तो ऐसे सूरत में आपके चैनल के मोनेटाइजेशन के दौरान मसला आ सकता है और आपकी शायद चैनल मोनेटाइज ना हो, क्योंकि इसमें रीयूज़ कंटेंट का मसला आता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसका सलूशन क्या है और आप इसको कैसे हल कर सकते हैं और आप अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज करवाएंगे। तो इसका एक ही सलूशन है, आपने जितने भी ऐसी वीडियोस बनाई होंगी में आपकी अपनी कोई क्रिएटिविटी ना हो वो डिलीट कर दें, बिल्कुल डिलीट कर दें, और उसके बाद अपना वॉच टाइम चेक करें। अगर आपका वॉच टाइम 4000 घंटों से कम है तो अपना वॉच टाइम कंप्लीट करके दोबारा 30 दिन के बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंशाल्लाह अगर आपकी वीडियो सही होंगी फिर तो आपकी मोनेटाइजेशन इंशाल्लाह अप्रूव होगी और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी और अगर आप ये गलती करते हैं तो इसको आगे से इंशाल्लाह अवॉइड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।